कुणाल, मैं सेब काट रहा हूं, आकर खा ले बेटा। वाओ कुणाल, हाँ, क्या मजेदार खुशबू है हवा में, मजा आ रहा है। एक मिनट, ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? हे भगवान, ये तो मेरी खुद की खुशबू है। ये क्या कर डाला बच्चे ने, जल्दी से ढक्कन लगाओ कोई। अरे बेटा चल बाहर आ, सेब काट कर रखा है, खा ले। ठीक है दादू। अच्छा, चुप चुप के परफ्यूम लगाया जा रहा था? नहीं दादू, लगा नहीं रहा था, बस सूंघ रहा था। सच्ची सूंघ ले। पर ये ढक्कन तो बंद कर देना था ना, नहीं तो सारे का सारा परफ्यूम उड़ उड़ के वेस्ट हो जाएगा। बच गए, नहीं तो आज तो जिंदगी हवा हो जानी थी। ठीक है दादू, आगे से बंद कर दिया करूंगा। पर मुझे एक बात बताओ, ये परफ्यूम रखे रखे बॉयल कैसे हो जाता है? अरे बॉयल नहीं, इवेपोरेट। क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम ही तो है। देखो, इवेपोरेशन तो हर समय होती रहती है। हाँ। लेकिन बॉयलिंग तो एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है ना। मतलब? चलो तुम्हें पानी से बताता हूँ। पानी से क्यों दादू, इस परफ्यूम से ही समझाओ ना। बेटा, मैं बड़े नाजों से राज परिवार में पला बड़ा हूँ, मुझसे ज्यादा खेल मत करवाओ। नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट के लिए परफ्यूम वेस्ट नहीं करना चाहता। पर पानी से समझाने का क्या फायदा, ये अलग चीज है और पानी अलग। माना कि परफ्यूम और पानी दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों है तो लिक्विड ही ना। इवेपोरेशन और बॉइलिंग हर लिक्विड में होता है, तो फिर फर्क क्या पड़ता है? हाँ, पानी मेरा भाई है, जन्म से ही खुश मिजाज और आजाद ख्यालों वाला, वो तुम्हें समझाने के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है तो फिर बताओ। चलो। तो मैं इस नेल पॉलिश रिमूवर का ढक्कन बंद कर देती, क्योंकि इवेपोरेट तो ये भी बहुत जल्दी होता है। तो दोस्तों, ये जानने के बाद कि हर लिक्विड इवेपोरेट और बॉयल होता है, तो वक्त है अगली कॉन्सेप्ट फिल्म का, जिसमें हम जानेंगे कि इवेपोरेशन और बॉयलिंग में क्या अंतर है।